दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यदि आप बहुत ही लंबे समय से बीमार हैं या आप हर थोड़े थोड़े दिन में बीमार पड़ जाते हैं, साल में 3 बार 4 बार, यदि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ कम हो गई होगी, तो आज का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। आज मैं आपको 2-3 बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताने जा रहा हूँ। आप इन उपाय को सिर्फ और सिर्फ 4 बार 6 बार 8 बार कीजिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वापस आ जाएगी, आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। देखिए, उपाय बताने के पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग ग्रह कारक होते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए कुंडली का अलग अलग भाव कारक होता है। अलग अलग भाव में और अलग अलग ग्रहों का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह के बीमारियों को देता है। यह तो हो गई सबसे पहली बात। लेकिन होता क्या है, आप इसको ऐसा समझिए, वॉक करना, रनिंग करना, स्विमिंग करना, जंपिंग करना, प्राणायाम करना, ये सब चीज़ें हर एक आदमी के स्वास्थ्य में सुधार लाता है, चाहे वो किसी भी तरह का बीमार हो। लेकिन इन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर डायरेक्ट दिखाई देता है, आदमी उससे स्वस्थ ज़्यादा दिनों तक रहता है, बीमार व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है, जो स्वस्थ है वह ज़्यादा समय के बाद बीमार पड़ता है। क्यों? जब वो वॉक करता है, जब वह स्विमिंग करता है, जब वह रनिंग करता है, जब वह जंपिंग करता है, जब वह प्राणायाम करता है, जब वह सूर्य नमस्कार करता है। बस ऐसे ही आज की रेमेडी है। यदि आप आज मेरे बताए हुए रेमेडी को करेंगे तो आपको स्वास्थ्य में लाभ अवश्य ही दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के एकदम प्रमाणिक सूत्रों को आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं हमें उपाय कौन कौन से करने हैं। चलिए फिर आज हम बात करेंगे कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के विषय में। जी हाँ, यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आज मैं आपको 2 महा उपाय बताने जा रहा हूँ। आप इन दोनों महा उपायों को पूरे श्रद्धा पूरे भक्ति के साथ कीजिए, आपके स्वास्थ्य में इसका सकारात्मक पहलू अवश्य ही दिखाई देगा। सबसे पहली बात, प्रयास कीजिएगा कि हर दिन न कर सके तो सिर्फ गुरु गुरुवार को, लेकिन रेगुलर लगातार 1 साल तक अपने घर में विष्णु जी या कृष्ण जी या प्रभु श्री राम, जिसका भी मूर्ति हो, जिनकी भी मूर्ति हो, जिनका भी फोटो हो, उसमें आप लगातार पीले रंग का फूल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। कम से कम हर गुरुवार करना है, यदि हो सके तो नियमित आप इस कार्य को कीजिए, आपके स्वास्थ्य में लाभ दिखाई देगा ही। दूसरा महा उपाय, रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कीजिए और हनुमान जी से अपने उत्तम स्वास्थ्य हेतु निवेदन कीजिए। इसका रिजल्ट आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में दिखाई देगा ही। दोनों के दोनों महा उपाय हैं, स्पेशली कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए। बीमारी का जो भाव जो कॉम्बिनेशन बनाता है, बीमारी का जो ग्रह कॉम्बिनेशन बनाता है, मैं उससे ही संबंधित आज आपको उपाय दिया हूँ। यह दोनों के दोनों अचूक उपाय हैं, पूरे श्रद्धा पूरे भक्ति के साथ कीजिए, आपको इसका सकारात्मक परिणाम आखिरी बार बोल रहा हूँ दिखाई देगा ही। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देंगे। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।